अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार टूनिस चैनल। कल बरोज़ जुम्मा कोलार निसार नगर में शिवपुर रोड निसार नगर में मस्जिद हुसैन का नई इमारत का इफ्तिताह हुआ। इससे पहले 4 साल या कम से कम 4.5 साल से वहां पर मस्जिद हुसैन और मदरसा हुसैनिया अमल में था, लेकिन पुरानी इमारत थी ईंटों की। उस इमारत को शहीद करके पिछले 6 माह पहले मौलाना कलीमुल्ला साहेब ने वहाँ पर काम शुरू करने से पहले शहीद करने के बाद फातह खानी करते हुए, आप देख सकते हैं तस्वीरात, यहाँ पर मौली कलीमुल्ला फातह खानी करते हुए मस्जिद शहीद करने से पहले, और जुम्मा के बयान में मस्जिद हुसैन में जुम्मा के बयान में मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहेब खासिमी दामतु बरकातहु बयान देते हुए, आप देख रहे हैं आपके अपने स्कॉलर टूनिस चैनल की तरफ से। यहाँ पर जो मदरसा चल रहा है, इस मदरसे में मस्जिद हुसैन और मदरसा हुसैनिया के मदरसे में कम से कम 100 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और वहाँ पर आसपास के मोहल्ले वाले भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मस्जिद को दूर दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब करीब में एक नई मस्जिद का इफ्तिताह होने के बाद वहाँ के बच्चों को दीनी इल्म से आरास्ता होना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जुम्मा के बयान में मस्जिद हुसैन के अंदर मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहेब खासिमी दामतु बरकातहु बयान देते हुए मस्जिद के ताल्लुक से, मस्जिदें क्या होती हैं, दीनी इल्म क्या होता है, और मस्जिद का ताल्लुक कहां से होता है, किस निस्बत से लगाया जाता है। तो आप सुन रहे हैं आपके अपने स्कॉलर टूनिस चैनल की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्त अहबाब के मोबाइल तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقد قال ابن أبي شيبة أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال لابنه: يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المساجد بيوت المتقين، فمن يكن المسجد بيته تضمن الله الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسولنا ونبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إيماني بھائیو اور قریب پاس میں गुफ्तगु को सुनने वाली खवातीन इस्लाम, जब मैं आपके यहां मस्जिद में आया, रास्ते और गली से गुजरते हुए महसूस हुआ कि ये आबादी बहुत पुरानी नहीं है, या नई आबादी महसूस हुई। गलियां, सड़कें, मकानात, इनको देखकर महसूस हुआ कि ये नई नई आबादी कायम हुई है, चंद वर्ष ही इसको हुए हैं। माशाअल्लाह, आप हज़रात ने नई आबादी के लिए अपनी गुंजाइश, अपने शौक, अल्लाह की तौफीक की बुनियाद पर अल्लाह को याद करने के लिए, अपने दीन और ईमान को गर्माने के लिए, अपने बच्चों को दीन और अकीदा और ईमान और आखिरत समझाने और उसकी तालीम दिलाने के लिए
नमाजें अदा करने के लिए ये एक नई सी मस्जिद बनवाई और इसके लिए कोशिश है। मैं आप हजरात को इस मौके से मुबारकबाद ही पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप हजरात की इस कोशिश को, इस अच्छी पहल को, इस शौक और मेहनत और लगन को कबूल और मंजूर फरमाए। हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, हमारी तारीख बहुत कदीम है। याद कीजिए जब हमारे और आपके रसूल पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके आज से 1450 वर्ष पहले मदीना गए हैं, जहां की बस्ती अभी अभी मुसलमान हुई है और चंद अय्याम अभी गुजरे हैं और आपने नमाज बा जमात का निजाम कायम करने के लिए फिक्र फरमाया, सहाबाए किराम को जमा फरमाया, मशवरे किए और एक मस्जिद की बुनियाद का काम शुरू फरमाया। सबसे पहले आपका घर अभी तामीर नहीं हुआ है, हिजरत करने हिजरत करने वाले घरों को छोड़कर मदीना आने वाले सहाबाए किराम घर को छोड़कर आए हैं, औलाद को छोड़कर आए हैं, रिश्तेदारों को छोड़कर आए हैं, अपनों को, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को, अपने तमाम जायदाद को, वतन को, सब को छोड़कर आए हैं। किसी के लिए कोई अच्छा रहने का इंतजाम अभी नहीं किया गया, सहाबाए किराम के साथ शामिल कर दिया गया आज तौर पर, मगर मस्जिद की बुनियाद रखी आपने। इससे ईमान वालों, कयामत तक पैदा होने वाले मुसलमानों को, मोमिनों को, उन खुशनसीब इंसानों को जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में होने का शर्फ लगा दिया, इससे सबक मिला, पैगाम मिला, मैसेज दिया गया कि हमको इस मौके से कौन सा काम, किस आगे बढ़ना के जज्बे के साथ सफा और मरवा, वहां पर दौड़ लगाता है,
इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा ने दौड़ लगाया था उस यादगार को ताजा करता है। इनके बारे में कुरान कह रहा है कि ये दो पहाड़ियां छोटी छोटी सफा नामी पहाड़ी मरवा नामी पहाड़ी अल्लाह के शायर में से, एक आयत में आया कि अल्लाह के शायर में से, दूसरी आयत में आया कि अल्लाह के शायर की ताजीम और उसकी इज्जत करना मुसलमानों का फर्ज है, मुसलमानों के ऊपर लाजिम है। अब समझे आपकी शायर किसे कहते हैं, अरबी का लफ्ज है ये, अरबी जुबान का। अरबी जुबान में शायर के माने आते हैं अलामत और पहचान की। जैसे आपकी इस मस्जिद के बिल्कुल पेशानी पर दो मीनार लगे हैं, दो मीनार, कोई दूर से आदमी आएगा तो मीनार को देख करके पहचान लेगा कि वहां मस्जिद है। तो मस्जिद का मीनार मस्जिद के लिए अलामत और पहचान है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने इस्लाम और मुसलमानों के लिए कुछ काम को और कुछ जगह को शायर करार दिया है और इस्लाम और मुसलमानों की अलामत और पहचान बनाया है। काबा शरीफ इस्लाम का शायर और पहचान है, मीना इस्लाम का शायर और पहचान है, सफा और मरवा इस्लाम का शायर और पहचान है, यानी अरफा और मुस्तलफा इस्लाम का शायर और पहचान है, कुरान इस्लाम का शायर और पहचान है, नबी और पैगंबर इस्लाम का शायर और पहचान है, औलमा इस्लाम के शायर और पहचान है, और दुनिया भर में फैली हुई मस्जिदें और अल्लाह के तामीर होने वाले घर, ये सब के सब इस्लाम के शायर और पहचान। तो ये शायर की ताजीम और तकरीम ईमान वालों का फर्ज है, उनका फर्ज है कि अल्लाह के शायर और अल्लाह के दीन के पहचान की जगहों का एहतराम करें, उनका हक अदा करें, उनका लिहाज करें, उसको तरक्की दें, उसमें उसके जो तकाजे हैं उन तकाजों को पूरे करें। ये इस्लाम का मुसलमान का फर्ज है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि ईमान वालों के दिल में फितरी तौर पर नेचुरल लेवल पर इन चीजों का एहतराम पाया जाता है। आपको मिलेंगे बहुत सारे ईमान वाले भाई, बहुत सारे मुसलमान कहलाने वाले लोग जिनका इस्लाम से कमजोर रिश्ता और ताल्लुक होगा, वो बहुत ज्यादा इस्लाम के अहकाम को फॉलो नहीं कर रहा होगा, वो नमाजों का पाबंद नहीं होगा, वो रोजे पाबंदी से नहीं रखता होगा, वो कुरान करीम की तिलावत करना नहीं जानता होगा, वो हज और उमरा नहीं करता होगा, वो कोई आलिम नहीं होगा, चिल्ला चिल्लाना वक्त लगाने वाला नहीं होगा, मगर कुरान को वो नापाकी की हालत में छोड़ने के लिए हिम्मत नहीं करेगा। अगर कुरान उसके गलती से हाथ से गिर जाए तो परेशान हो जाएगा कि मेरे बाप बड़ा गुनाह कर दिया है, उसका सत्ता कैसे अदा करूं। ये एहतराम क्यों है, ये फितरी तौर पर है। जहां इस्लाम आता है तो इस्लाम के साथ साथ इस्लाम के शायर भी आते हैं, इस्लाम के शायर से मोहब्बत, इस्लाम के शायर की ताजीम, इस्लाम के शायर की इज्जत भी साथ साथ आती है। माशाल्लाह आपकी इस नई बस्ती में, छोटी सी बस्ती में और अहले ईमान के बसने वाली जगह में ये मस्जिद कायम हुई है। इस मस्जिद का एहतराम रखें जिंदगी भर, इस मस्जिद का ख्याल रखें, इस मस्जिद का हक अदा करें, इस मस्जिद की ताजीम और तकरीम करें, इस मस्जिद के दरवाजे को पूरा करें और इसको अपनी जिंदगी में जिम्मेदारियों के दर्जे में कबूल करें। ये शायर और इस्लाम में से मैं अभी गुफ्तगू कर रहा था शबे बारात के मौके से। आजकल ईमान वाले परेशान होते हैं ये सियासी खबरों को सुनकर, हुकूमतों के फैसले और उनकी जानिब से उठाए जाने वाले इकदाम को देखकर, क्या हमारा क्या होगा, हम
ईमान वाले मेरे भाई और बुजुर्गों, ईमान वालों के लिए जमीन बनी है, ईमान वालों के लिए यह आसमान सजाया गया है, ईमान वालों के लिए इंसानों का एक सिलसिला है, ईमान वालों के लिए चांद और सूरज है, ईमान वालों के लिए रात और दिन है, ईमान वालों के लिए ये फजाएं हैं, ये हवाएं हैं, अल्लाह की नेमतें हैं। जब ईमान वाला नहीं होगा, आपका अकीदा है, आप जानते हैं और मानते हैं कि एक भी जब तक ईमान वाला दुनिया में जिंदा रहेगा, अल्लाह ताला इस दुनिया को कायम रखेगा, चाहे ईमान वाला नहीं रहेगा तो इस दुनिया को कायम नहीं रखेगा। तो जिस ईमान वाले की इतनी अहमियत है, जिस ईमान वालों का इतना बड़ा रुतबा और मर्तबा है, जिस ईमान वालों की कदर और कीमत अल्लाह ने इतनी लगाई है, जिसको अल्लाह ने इतना मकाम और वैल्यू दिया है, उनको हालात से डरने और फिक्र करने और हिम्मत को पस्त करने की जरूरत हरगिज नहीं है। उसके पुश्त पर, उसकी पीठ के ऊपर अल्लाह का हाथ है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की फौज है, अल्लाह तबारक व तआला का पूरा निजाम और सिस्टम है। उसको घबराने की क्या जरूरत है, उसको देखना है। मस्जिदें उसकी हमारे मुल्क में आबाद है, मदरसे ईमान वालों के चल रहे हैं, मीनारे ईमान वालों के बुलंद है, ईमान वालों की शबे है, इस्लाम वालों में ईमान वालों की पहचान है। ये दाढ़ी और ये टोपी, ये लिबास और हुलिया, ये मस्जिदों के लिए घरों को छोड़ करके पांच वक्त नमाजों के लिए आना और बयानात सुनने के लिए जामे मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाना, गुस्ल करना, तैयार होना और अपने बच्चों को तैयार करना, मस्जिद की तरफ उनको हवाले करना, मदारिस को आबाद रखना, खानकाहों को आबाद रखना, ये जमातों का निजाम का जारी रहना, मकातिब के निजाम का कायम रहना, जोश और खरोश के साथ सारे ईमान वालों का अपने दीनी और ईमानी कामों में हिस्सा लेना, ये बताता है कि इस्लाम अभी जिंदा और ताबिंदा है, मुसलमान अभी पुरजोश है, ईमान से और दीन से उनका रिश्ता बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह मजीद आगे उनको मजबूत और मुस्तकम करेगा। मगर आज कमजोर नहीं है, जब कमजोर नहीं है तो हमको हौसला नहीं करना चाहिए, हमको डरना नहीं चाहिए, बेहौसला नहीं होना चाहिए। सुन ले अच्छी तरह, बहुत सारे बयानात में हम सुनते हैं, हमको बताया जाता है क़यामत करीब आने वाली है, तो ऐसा होगा मुसलमान कमजोर हो जाएंगे, वैसा होगा। भाई क़यामत आने वाली है, मगर तारीख का और टाइम का किसी को कुछ पता नहीं। हो सकता है अभी सदियों तक दुनिया कायम रहेगी, ऐसे में तो हमारा हौसला खत्म होगा, हम हाथ बांध करके खड़े रह जाएंगे और कुछ भी मेहनत करने से, कदम बढ़ाने से, हौसला और जज्बा पैदा करने से हम हिम्मत हार जाएंगे। इसलिए इनको नहीं सोचना है, जब क़यामत कायम होगी तब देखा जाएगा, और उस वक्त जब मामला सामने आएगा तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी एक हो जाएगा और किसी किस्म का शक बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अभी हमारा टाइम क्या है कि जैसे हमको भूख लगती है तो हम खाते हैं, प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, जब मौका आता है अपनी जरूरत और ख्वाहिश पूरी करते हैं, दुनिया के काम बनाते हैं, अपना घर बार बनाते हैं, तिजारत करते हैं, मेहनत करते हैं, जरिए माश हासिल करने के लिए तवज्जो करते हैं, इसी तरह दीन के कामों से अपना रिश्ता मजबूत करें, दीन के कामों से अपने आप को जोड़ करके रखें, उसके बारे में डिटेल जानें, दीन के काम करने वालों को सपोर्ट करें, उनके दाया बाजू और हाथ बनें, रास्ते की रुकावटों को दूर करें। इसलिए करें, इसलिए कि वो काम सिर्फ उसका नहीं है, हमारा भी है और आपका भी है और सबका भी है। जो उसकी ताकत रखता है उसका भी काम है, जो उसकी ताकत नहीं रखता है उसका भी काम है, सबका काम है। तो एक बन करके, एक यानी मुत्तहिद होकर के, आपस में जुड़ करके, आपस में रक्त कायम करके, दीन और ईमान के इन दिलों को, दीन और ईमान के इन जगहों और मकामात को, मस्जिद और खानकाहों और मकतब के काम काज को अपना काम काज समझ करके उसको तन
उसको तरक्की की तरफ ले जाइए, उसके काम को बढ़ाइए। तो बहरहाल ये मस्जिद कायम हो गई, ये आबादी और बस्ती के तमाम ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों के लिए बड़ी खुशी और खुशनसीबी का मौका। और मैंने आकर के इसके बारे में बातें की तो मेरे सामने बातें आई कि कुछ नौजवान उलमा माशाअल्लाह बड़ी मेहनत करके लोगों से बातें करके और लोगों को तैयार करके लोगों के बच्चों और उनके दीनी फ्यूचर और दीनी तालीम को अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर बनाने की गरज से मकतबों का यहाँ पर निजाम चला रहे हैं, मस्जिदों का मस्जिद का एक निजाम उन्होंने लाया है और मस्जिद तामीर की है। बड़ी खुशी हुई, वरना आजकल लोगों को अपनी दुनिया को आबाद करने से फुर्सत नहीं है। वो इतने बड़े बड़े काम जो एक मेहनत चाहता है, तसलसल चाहता है, रात दिन की कोशिश और तगोदो चाहता है, इतना काम एक आध लोगों का नहीं हो सकता है। उन्होंने ये काम किया है तो उनको मैं मुबारकबादें पेश करता हूँ। और दो नाम मैंने सुने उनके मुआमिलीन होंगे, उनके साथी होंगे, उनके दोस्त होंगे, ईमान वाले भाई और बुजुर्ग होंगे, उन सबको इस मौके पर मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। हाफिज इम्तियाज नाम है, अल्लाह तबारक व तआला उनके नाम से नेक फारिग रहते हुए आपकी इस मस्जिद को और यहाँ के निजाम को इम्तियाज अता फरमाए, उसको मुमताज करे, दूसरी जगहों से ज्यादा अच्छे अंदाज पर यहाँ काम की शक्ल पैदा हो और दूसरे मंजूर सा मौलाना मंजूर सा अल्लाह ताला उनके नाम की नेक फाल लेते हुए इस काम को, इस काम के मुस्तकबल को सबको मंजूर फरमाए और कबूल फरमाए, सबको अल्लाह तबारक व तआला बेहतर से बेहतर बुलंदियां और तरक्कियां अता फरमाए, रात की रुकावटों को दूर फरमाए। और यहाँ थोड़ी देर ठहर करके मेरे भाइयों और बुजुर्गों और मस्जिद के इंतजामिया, लोगों का खिदमत करने वाले साथी और नौजवान सारे लोग इस बात को सुन ले, मैं अमानत आपके सुपुर्द करके जाना चाहता हूँ कि आपने जो कुछ भी मस्जिद बनाई है, ये छोटी मस्जिद से ही आप इसको छोटी न समझें। मस्जिद कोई भी छोटी नहीं होती है, इस्लाम में सिर्फ तीन मस्जिद ऐसी है जिनका दर्जा बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले में कोई मस्जिद नहीं है। नंबर एक मक्का मुकर्रमा की मस्जिद हराम, वो जो काबा है जिसका तवाफ करते हैं, उसके चारों तरफ जो मस्जिद है उसको कहते हैं मस्जिद हराम। और नंबर दो मस्जिद नबवी मदीना की मस्जिद, जिस मस्जिद की तामीर आपने हिजरत के बाद फौरी तौर पर फरमाई थी। और नंबर तीन मस्जिद अक्सा जो आज यरूशलेम के अंदर है, है नहीं, मुल्के शाम की मस्जिद जो अंबिया की सरजमीन रही है, जो आज यहूदियों के कब्जे में है। तो ये जो तीन मस्जिद है, इन तीन मस्जिदों को दुनिया भर की मस्जिद से एक खास मकाम हासिल है कि किसी एक मस्जिद में नमाज पढ़े तो वहां पर 1,00,000 नमाज के बराबर सवाब मिलेगा, एक मस्जिद में नमाज पढ़े तो 50,000 मस्जिद नबी में 50,000 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा, और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़े तो 500 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। बाकी दुनिया की जितनी मस्जिद है, छोटी हो बड़ी हो, बहुत आलीशान हो, छप्पर की और फूस और झोपड़ी की हो, सारी मस्जिदों का मकाम और रुतबा और मर्तबा एक है। हर मस्जिद और नमाज पढ़ने का जब सवाब और अजर एक ही मिलता है। तो बहरहाल आप इस मस्जिद को छोटी ना समझें, अल्लाह तबारक व तआला इसी मस्जिद को बहाना बनाकर आपकी मुस्तकबल को बेहतर बनाएगा, आपके दीन और ईमान को मजबूत बनाएगा, आपकी इबादतों को कबूल करेगा, आपस में जोड़कर रहने का एक मौका अता करेगा, जमात के साथ आपकी नमाज अदा होगी, आपके बच्चे मकतब में पढ़ेंगे, उनका दीन और ईमान और उसकी बुनियाद मजबूत और ठोस बनेगी, और ये अल्लाह की रहमतों के उतरने का जरिया और बहाना बनेगा। तो ये मस्जिदें आपने बनाई हैं, ये अभी आधा काम होगा, ये आधा काम होगा, पूरा काम कब होगा, जबकि आप इस मस्जिद के तकाजे को पूरा करेंगे। आप कोशिश करें कि 5 वक्त नमाज मस्जिद में सारे लोग आकर के पढ़ें, जितने लोग अभी जुमा की नमाज में यहाँ हाजिर हैं, इतने ही लोग कम से कम 5 नमाजों में हाजिर रहें, जितने घर हैं
हर घर के लोग यहाँ आकर के नमाज पढ़े, पांच वक्त नमाज पढ़े, तब आप पूरे पूरे अजर और सवाब के आप मुस्तहिक होंगे। ये आधा काम अभी है। मस्जिद ईंट पत्थर का नाम नहीं है, मस्जिद दीवार का नाम नहीं है, मस्जिद छत का नाम नहीं है, मस्जिद एयर कंडीशन निजाम का नाम नहीं है। मस्जिद उस जगह उगाते हैं जिस जगह को अल्लाह की इबादत अंजाम देने के लिए अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया गया हो, चाहे उसके ऊपर छप्पर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मस्जिद जमीन के तहत और जमीन के नीचे से लेकर आसमान तक का जो हिस्सा होता है वो सब मस्जिद होता है। इसलिए अगर कोई हवाई जहाज से सफर करता है तो हवाई जहाज में नमाज पढ़ता, हालांकि नमाज के सही होने के लिए किबले की तरफ मुंह करना जरूरी है। तो वहां किबला कहाँ है? हजारों फीट ऊपर बुलंद होकर के जहाज उड़ता है फिर भी नमाज होती है। क्यों होती नमाज? इसलिए कि वहां भी किबला है, वहां भी काबा है। मस्जिद हो और काबा हो वो जमीन से लेकर के आसमान तक मस्जिद हुआ करती है। ऐसा नहीं हो सकता इसीलिए कि नीचे मस्जिद हो और ऊपर दुकान, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी नीचे से लेकर के ऊपर तक मस्जिद। तो ये मस्जिद है, मस्जिद मस्जिद नबी में क्या हाल था आपने सुना है? सुने आप जरा सा, आप हिम्मत पस्त न करें, बहुत अच्छी मस्जिद है माशाल्लाह। अगर हफूज की मस्जिद होती तब भी हम यहाँ पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते और हर लिहाज से यहाँ पर हम आबाद रखते इसको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबी में फर्श नहीं था, रेत और कंकर बिछे हुए थे और अरब की गर्मी बहुत तेज होती थी, बहुत सख्त गर्मी होती थी अरब में, बहुत तेज, इतनी गर्मी होती थी। आज भी जो गर्मी के मौसम में लोग जब हज करने जाते हैं और उलमा जाते हैं, हदीसों में जो आया है उसको प्रैक्टिकली देखते हैं, तजर्बा करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ कितनी गर्मी रहती होगी आपके जमाने में। अब मस्जिद नबी जो थी ना छप्पर की थी और आदमी जितने जिस कद का होता है उससे एक हाथ जो है बुलंद होगी तो होगी बस, उसमें कोई विंडो और खिड़की नहीं थी, खिड़की नहीं थी कोई भी, एक दरवाजा था भी जो बंद थी। और अरब में बहुत गर्मी पड़ती थी और जोहर की नमाज पढ़ते थे सूरज ढलने के बाद अव्वल वक्त में, जल्दी पढ़ लिया करते थे। और अरब में लोग, अरब की सोसाइटी में दोपहर में कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था, कोई भी गर्मी की वजह से बाहर नहीं जाते थे, खेतों में काम करने के लिए नहीं जाते थे, मार्केट पूरा बंद हुआ करता था, कोई बाहर में निकलता था गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से। इसलिए सहाबे किराम जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आते थे तो वो रेत पर सजदा करते थे, रेत बहुत गर्म तपिश, उसमें बहुत ज्यादा भाप होता था। बाद सहाबे किराम क्या करते थे नमाज में कि उनके जिस्म पर जो कपड़ा होता था उस कपड़े को सजदे में जाते हुए सजदे की जगह पर रखते थे और उस पर सजदा करते थे, गर्मी की शिद्दत की वजह से और सख्ती की वजह से। बाद सहाबे किराम जब सजदा से उठते थे या नियत मानते थे तो एक मुट्ठी रेत हाथ में ले लिया करते थे और यूं नमाज पढ़ते थे। इस देर में रेत क्या हो जाती थी, कुछ ठंडी हो जाती थी, गर्मी उसकी कम हो जाती थी। जब सजदे में जाते तो सजदे की जगह पर उसको रखते और वहां पर सजदा करते थे। यानी आप देखें कि किस हालत में सहाबे किराम नमाज पढ़ते थे। और आपने आप रमजान का महीना आ रहा है, आप एतकाफ के दिनों में आप फजाइल आमाल में सबक सुनेंगे और पढ़ेंगे, क्या आएगा कि शबे कदर कौन सी रात है, तो उसकी पहचान बताई है कि रात ऐसी होगी बड़ी नूरानी होगी, उसमें है ना एक रात में ऐसा आएगा कि फजर के वक्त में बारिश होगी, ये पहचान। तो उस रात में बारिश हुई थी तो आप फजर की नमाज में सजदे में गए थे तो कीचड़ मिट्टी वाली गीली मिट्टी आपकी पेशानी में लग गई थी, पता चला कि ऊपर छत नहीं थी भाई, मस्जिद में पानी टपकता था, तभी तो आपकी सजदे की जगह पर ऐसा हो गया था। आज तो माशाअल्लाह हम कितने आरामदेह जगह पर हैं, है ना, नीचे फर्श है, पुख्ता फर्श है, चटाई बिछी हुई है, ऊपर फैन लगा हुआ है, बिजली का निजाम और सिस्टम है। यहाँ पर अगर हम पाबंदी के साथ नमाज अदा ना करें, दिलो जान के साथ और खुशो और खुशू के साथ, दिल की हाजिरी की कैफियत के साथ अल्लाह का ध्यान जमा करके इखलास के साथ अगर हम नमाज में पढ़े तो अल्लाह के यहाँ जवाब देने के लिए हमारे पास कोई उज्र नहीं होगा, कोई उज्र नहीं होगा। आइए मस्जिदों को आबाद कीजिए, मस्जिदों में पाबंदी के साथ नमाज अदा कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, अल्लाह की मेहरबानी को हासिल कीजिए। इस सिलसिले में एक दो हदीस शरीफ सुन लीजिए। मिश्कात
शरीफ की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत। ये हदीस है, इसका तर्जुमा है, जो आदमी अल्लाह के लिए एक मस्जिद को बनाएगा, अल्लाह ताला उसके बदले में जन्नत में उसके लिए घर दाखिल करेगा, घर बनाएगा। ये मस्जिद, ये हदीस का तर्जमा सिर्फ हुआ आपके सामने, हदीस की हकीकत को समझिए। हदीस का तर्जमा से पूरी बात समझ में नहीं आती, समझिए हकीकत को। उलमा बयान करते हैं, बना लिल्लाही मस्जिद, मस्जिद बनाया हो तो अल्लाह के लिए, पता चला कि अजर उस वक्त मिलेगा जबकि मस्जिद तामीर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करना हो, दुनिया की कोई और गरज ना हो, ओहदा हासिल करना, दिखाना, अच्छा कलर कर दिया, बेहतरीन पेंटिंग कर दी, नक्शा अच्छे इंजीनियर से तामीर करवाया, उसमें एयर कंडीशन निजाम सिस्टम किया, क्यों? ताकि कहा जाए कि फला साहब ने मस्जिद बनाई, ताकि कहा जाए कि मस्जिद के कितनी आलीशान है। नहीं नहीं, इस मस्जिद के ऊपर आज वादा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, लिल्ला लिल्ला लिल्ला, ये तो नहीं चाहिए, इखलास होना चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह को राजी करने का जज्बा होना चाहिए, तो उसके ऊपर अजर सवाब है, वरना अजर सवाब नहीं है। एक बात के लिए हो गई, मन बना लिल्लाही मस्जिद, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। उलमा, इस हदीस शरीफ के उलमा हमारे हैं, पढ़ रखी है इन्होंने किताब है, इस हदीस शरीफ के बड़े शारे हैं, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसकी शरह करते हुए लिखा है, अत्तनवीनु फी मस्जिदन लित्तक़लीली व फी बैतन लित्तक़सीरी व तअज़ीमी, कि मस्जिद को तो कहा गया मस्जिदन तनवीन के साथ, अल मस्जिद नहीं, मस्जिदन कहा गया, इसका मतलब है किल्लत को बयान करना, कमी को बयान करना, थोड़ी सी भी मस्जिद बनाई, छोटी मस्जिद बनाई, एक सफ की, दो सफ की, तीन सफ की छोटी सी मस्जिद बनाई, अच्छा मस्जिद में हिस्सा लिया, सिर्फ 5 रुपए लगा दिया भाई, 10 रुपए चंदा दे दिया मस्जिद ने, किसी ने 1 करोड़ दे दिया, किसी ने 5 रुपए लगाया, ये 5 रुपए चंदा देने वाला भी मस्जिद बनाने वाला है, 5 रुपए की तारों करने वाला भी, चंदा लेने वाला भी मस्जिद बनाने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस को बयान करने वाले उन उलमा ने जिक्र किया है जिन्होंने इल्म और अमल के मामले में उम्मत के अंदर बड़ी मकबूलियत पाई है, और जिनके इल्म के ऊपर आज के उलमा भरोसा करके आलिम बनते हैं, उन्होंने कहा तो छोटी सी मस्जिद बनाई तब भी ये आज है, अच्छा बैतन फिल जन्नत, अल्लाह इसके बदले में जन्नत में घर बनाएगा, इसको आरम करते हैं। ये जो तनवीन है ताजीम और तकरीम के लिए है, ताजीम के लिए और तकसीम के लिए, कि छोटी मस्जिद बनाई तो अल्लाह ताला जन्नत में जो घर देंगे छोटी सी नहीं देंगे, छोटा करके देंगे, बहुत बड़ा, बहुत आलीशान महल होगा, हवेली होगी और बहुत अजीम शान होगी, जैसे आज दुनिया के अंदर छोटे गरीब इंसान का एक घर हो और दूसरा व्हाइट हाउस हो, पार्लियामेंट हो, बड़ी बड़ी हवेली हो, दुनिया के शानशाहों और बादशाहों और राजाओं और महाराजों के जो घर मकान होते हैं, कितना मुमताज, कितना आलीशान, कितना अलग किस्म का होता है, ऐसे ही जन्नतियों का जो आम घर होगा उनके घर के मुकाबले में उन हजरात का घर जिन्होंने मस्जिद बनवाया होगा जन्नत के अंदर बहुत आलीशान, बहुत अजीम शान, बहुत चमकता दमकता, बहुत शीश महल जैसा और बहुत ही बुजुर्गी और बुलंदी वाला घर होगा। अल्लाह तबारक तआला कितने बड़े शर्फ की बात है, एक दुनिया की शरीफ और दूसरे की शरीफ याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबghazul bilad ilallahi aswaquha। पहली हदीस शरीफ बताई है मस्जिद शामिल करने की फजीलत पर, जिसको मैंने कहा कि ये आधा काम है, ये पूरा काम नहीं है, पूरा काम क्या होगा कि आप मस्जिदों को आबाद करें, ज्यादा से ज्यादा मस्जिद में आए, वक्त से पहले मस्जिद में आ जाए, नमाज पढ़े, फिक्र करें कि अजान हुई वक्त पर या नहीं हुई,
नमाज हुई है नहीं हुई, नमाज में कौन भाई आए कौन नहीं आए उनकी फिक्र करना, फजर में कौन आया, ईशा में कौन आया कौन नहीं आया उनकी फिक्र करना, किस घर के अंदर नमाज का एहतमाम हो रहा है, किस घर में नमाज की पाबंदी नहीं हो रही है, कौन से घर की मस्तूरात और खवातीन और इस्लाम की बेटियां और इस्लाम की बंदगियां है बंद बंदियां ये इबादत करती है नमाज पढ़ती है कौन सी नमाज नहीं पढ़ती है ये फिक्र कर रहा, ये है मस्जिद का पूरा निजाम, मस्जिद का हक, मस्जिद का तकाजा, मस्जिद तामीर करने का मकसद, मस्जिद को बनाने का बहुत बड़ा टारगेट ये है उसके सामने। तो दूसरे हदीस शरीफ इसी हवाले से आपने बयान फरमाया सबसे बेहतरीन और पसंदीदा जगह दुनिया में इंसान जहां जहां रहता है जहां भी रहता है अमेरिका में रहता है व्हाइट हाउस के इलाके में उसका घर है, वो वाशिंगटन में वो अपना मकान रखता है या आपकी इस बस्ती में रहने वाला है, सबके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि इंसानी सोसाइटी जहां जहां है, इंसानी बस्ती जहां जहां है, सारी बस्ती और सारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह अल्लाह तबारक व तआला को मस्जिद है और सबसे नापसंद जगह बाजार है। तो आप क्या किया जाए, बाजार में ना रह जाए, बाजार में दुकान नहीं रखनी चाहिए, बाजार में तिजारत नहीं करनी चाहिए, नहीं ये मतलब नहीं है इसका, मतलब ये है कि मस्जिद का काम और मस्जिद का निजाम अल्लाह को बहुत पसंद है और बाजार का काम और बाजार का निजाम ये अल्लाह को बहुत पसंद है, मस्जिद का काम अल्लाह को बहुत पसंद है। हजरत बयान करते हैं मुल्ला अली तारिक रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करते हैं अल मुराद बिहुब्बिल्लाह अल मसाजिद इरादतुल खैर बि अहलिहा, कि अल्लाह की अल्लाह तबारक व तआला को मस्जिद बहुत पसंद है, इसका मतलब यह है कि मस्जिद आबाद करने वालों को अल्लाह ताला खैर अता करते हैं, उनके साथ बेहतरी अता करते हैं, तो हमारे हालात हमारे मसाइल का हल हमारी परेशानियों का हल हमको दुनिया और आखिरत में कामयाब करना अल्लाह की मर्जी हासिल होना इन सब का दाम बता रहे हैं कि हम मस्जिद के हक को पूरा करें, मस्जिद के तकाजे को पूरा करें, मस्जिद के निजाम से अपने आप को जोड़े, मस्जिद के काम से अपने आप को जोड़े, मस्जिद से अपना ताल्लुक और रिश्ता मजबूत से मजबूत बनाए, तो अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में हम और आप से और बात खत्म करता हूँ मेरा पूरा होगा यहाँ पर बयान का। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को नसीहत की, बेटे है आदमी के इल्म में जो सबसे कीमती इल्म होगा वो अपने बेटे को जरूर देगा, उसको छुपा कर कभी नहीं रखेगा, अपने बेटे खासतौर पर सहाबी, सहाबी अपने बच्चों को कितना नेक बना करके जा सकता है और अपने बच्चों के दीनी और ईमानी फ्यूचर और मुस्तकबिल को कितना बेहतर से बेहतर बनाने की वो कोशिश कर सकता है हम और आप सोच नहीं सकते हैं, किस कदर हजरत सहाबा ऐसे ही थे, अंबिया किराम ऐसे थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने बच्चों को क्या वसीयत की थी, हम और आप होते तो वसीयत क्या करते, कारोबार को इस तरह संभालना कामयाबी मिलेगी, फला काम करना तुम्हारा कारोबार चलेगा, ज़राअत का तरीका हम बताते, सनअत का तरीका हम बताते, दुनिया को आबाद करने का हम रास्ता उनको बताते, हजरत अंबिया के नाम क्या बता रहे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो अपने बच्चे को अपने नस्ल को वसीयत फरमाई है उसको कुरान ने कोट किया है, उसको कुरान ने जिक्र किया है, यानी कि अम्मु तुम शुहादा हजर याकूब अल मुल्क इस قال لابيه इस قال لابيه इस قال لبنيه, उन्होंने अपनी औलाद से कहा, क्या कहा कि तुम मेरे बाप किसकी इबादत करोगे, उन्होंने कहा नअबुदु इलाहना व इलाहा आबाइना, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिस एक अल्लाह की इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे, पता चला इससे हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम इंतकाल के वक्त तक अपने नस्ल और बच्चों के दीन और ईमान की फिक्र लेकर के जाया करते थे, उस वक्त भी उनके दीन और ईमान की फिक्र करते थे, मेरे यहाँ पर बैठे हुए ईमानी भाइयों और बुजुर्गों
हमें भी आज के जमाने में सबसे ज्यादा फिक्र यही करनी है कि हमारी और आपकी नस्ल मुसलमान कैसे बातें रहेगी, हमारी आपकी नस्ल, मैं नस्ल का लफ्ज से बोल रहा हूँ, मैं औलाद के लफ्ज नहीं बोल रहा हूँ। आज हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद पर होती है। भाई और आगे जाइए, औलाद की औलाद, उनकी औलाद, क़यामत तक आपकी नस्ल से पैदा होने वाले ईमान वाले बच्चे और ईमान वाले जो लोग आएंगे उनका ईमान कैसे मजबूत हो। अगर आपका ईमान मजबूत होगा तो आपकी नस्ल इंशाअल्लाह आपके जज्बे की वजह से, आपके मेहनत की वजह से मुसलमान तो रहेगी, सख्त से सख्त हालत में, मुश्किल से मुश्किल और डेंजर से डेंजर पोजीशन में भी वो अपने ईमान को बचाने की हिम्मत और जुरत रखेंगे। और अगर आपका ईमान कमजोर रहा, आपने अपने बच्चों की दीनी मुस्तकबल की फिक्र नहीं की, उनके ईमान को बनाने के लिए कोशिश नहीं की, उसके लिए लॉन्ग टाइम तक नहीं सोचा, तो याद रखिए आपकी खुद अपनी औलाद हो सकता है ईमान से महरूम हो जाए, और खुदा न खास्ता वो गैरों के निशाने पर आ जाए और अपने ईमान से हाथ धो बैठे और महरूम हो जाए। इसलिए आज नबियों की तरह, सहाबाओं की तरह उनके अंदाज और रास्ते पर चलते हुए अपने बच्चों की दीनी मुस्तकबल की फिक्र करनी चाहिए और मस्जिद और मस्जिद मकतब के निजाम से अपने बच्चों को जोड़ करके रखें। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बच्चे को वसीयत फरमाई, कहा था या बुनैया ऐ मेरे प्यारे, मेरे दिल के टुकड़े, लखते जिगर, क्या कर्म करें, अपने कानों में हदीस ले लीजिए, सहाबी अपने बच्चे से कह रहे हैं कि मेरे प्यारे तुम्हारा घर तुम्हारी मस्जिद होनी चाहिए, मस्जिद को घर बनाओ, मस्जिद में रहो, जैसे घर में रहते हो ऐसे मस्जिद में आओ, मस्जिद को टाइम दो, मस्जिद को वक्त दो, मस्जिद को हक दो, मस्जिद का दरवाजा पूरा करो, और मस्जिद से मुताबिक जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अदा करो, मस्जिद तुम्हारा घर होना चाहिए। क्यों आप हदीस सुनाते हैं, कहते हैं इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हदीस इरशाद फरमाते हुए सुना था। क्या सुना था, सुन लीजिए आप हजरात भी, पहली मर्तबा ये हदीस शरीफ आप हजरात के कान में आ रही होगी, फर्स्ट टाइम ये हदीस शरीफ आपके हवाले कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदें तकवा वाले लोगों के घर हैं। मस्जिद में वो रहेगा जो तकवा वाला होगा। आप देखिए नमाज पढ़ने का क्या मकसद, कुरान को नाजिल करने का क्या मकसद, रमजान आ रहा है उसका क्या मकसद, रोजा रखने का क्या मकसद, सबका मकसद तकवा इख्तियार करना। ना कुरान नाजिल हुआ है सूरह बकरा की पहली आयत अलिफ लाम मीम तालिकल किताब लारिफीन हुदन लिलमुत्तकीन, हुदन लिलमुत्तकीन, कुरान आया ही है लोगों को मुत्तकी बनाने के लिए। यहाँ भी रोजे के बारे में बयान, हर अमल के अंदर आएगा, तकवा जरूरी है। और यह हदीस शरीफ क्या कह रही है, ये मस्जिद है तकवा वाले लोगों के घर है, तकवा वाले लोगों के घर है। फमन यकुनिल मस्जिद बैता, जिस आदमी की नसीब ये हो जाए, जिस आदमी की किस्मत ये बन जाए कि मस्जिद को अपना घर बना ले, जिस तरह घर को कायम देता है, घर की फिक्र करता है, घर का लिहाज करता है, घर के तकाजे को पूरा करता है, घर की जरूरियात को पूरी करता है, इसी तरह मस्जिद को टाइम दे, मस्जिद के तकाजे को पूरा करे, मस्जिद की जरूरियात का ख्याल रखे, मस्जिद का हक अदा करे, मस्जिद में आए, मस्जिद के हल्के में शिरकत करे, मस्जिद में अपने बच्चे को मकतब में मकतब के लिए भेजे, मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करे, मस्जिद में बयानात सुने, मस्जिद के हल्के में शिरकत करे, तो ऐसे आदमी के बारे में क्या हदीस शरीफ में इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं उसके लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तज़म्मन अल्लाह, अल्लाह ताला जमानत देते हैं, गारंटी देते हैं तीन चीजों की। नंबर एक अर-रौह है,
الجواز على الصراط الى الجنه راحت کا نمبر ایک راحت کا آپ راحت چاہتے ہیں راحت چاہتے ہیں اطمینان کی زندگی چاہتے ہیں آئیے مسجد کو اپنا گھر بنائیے مسجد کی ضروریات سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو راحت عطا فرمائے گا سکون بھری زندگی دے گا اطمینان کی زندگی عطا فرمائے گا اور نمبر دو اب رحمت عطا کرے گا مہربانی کرے گا آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا آپ کے گناہوں کو بخش دے گا آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا دنیا کے اندر بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ مہربانی رحمت عنایت فضل کا معاملہ کرے گا اور آخرت میں بھی یہ معاملہ کرے گا اور تیسرا کام کیا ہوگا بھائی آخرت کا اس لیے ہم ایمان والے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں وہ کیا تیسرا کام والجواز عن الصراط الى الجنہ جنت میں جانے کے لیے ان صراط سے گزرنا ہوگا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مسجدوں سے رشتہ رکھنے کی برکت سے مسجدوں کو اپنا گھر بار بنانے کی برکت سے مسجدوں کا حق ادا کرنے کی برکت سے مسجدوں میں آمد و رفت رکھنے کی برکت سے یہ کرے گا کہ پل صراط سے گزرنا ہمارے لیے آسان کر دے گا جواز کے معنی آتے ہیں گزرنا تجاوز کرنا راستہ عبور کرنا ایک جانب سے دوسرے جانب پار ہونا اس کو کہتے ہیں جواز تو اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچنے کے لیے جس پل سے جانے کے لیے کہے گا اگر دنیا میں ہم نے مسجد کا حق ادا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسی برکت سے پل صراط سے گزرنے کو ہمارے لیے آسان کر دے گا ہماری دنیا بھی شاندار اور آخرت بھی جاندار اور آخرت میں کامیاب اور کامران اس سے برکت کیا رتبہ ہو سکتا ہے آپ حضرات ہماری طرف سے ہر لحاظ سے یعنی استقبال کے ہر لحاظ سے یعنی مبارکبادی کے حقدار ہیں مگر ساتھ ساتھ آپ کا کام یہ ادھورا ہے آپ کے کندھوں کے اوپر ایک نئی ذمہ داری آ گئی ہے اس مسجد کی ظاہری اور معنوی ظاہری لحاظ سے اور باطن کے لحاظ سے مسجدیں اللہ کی رحمت کی جگہیں ہیں اللہ کی جانب سے ہدایت یہاں اترتی ہے اللہ کی جانب سے نور اترتا ہے اور وہ نور لوگوں کی سینوں میں داخل ہوتا ہے لوگ جب مسجد سے نکلتے ہیں اس نور کو اپنے سینے سے لے کر کے گھر جاتے ہیں گھر تک وہ نور پہنچتا ہے اس کی زندگی میں نور آتا ہے اور اس کی زندگی منور ہوتی ہے روشن ہوتی ہے اور اس کی پوری زندگی اور پوری نسل اور گھر کا پورا ماحول اور پورا نظام یہ سب کا سب اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی نور سے منور اور روشن ہو جاتا ہے تو بھائی اس کا لحاظ رکھے اور خیال رکھے میرے لیے جو وقت متعین کیا گیا تھا اس کے لحاظ سے کچھ ظاہر نہیں ہو گیا ہے اور جمعہ کی نماز بھی ادا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مسجد بنوانے کو اور مسجد کے اس افتتاح کے کام کو مقبول اور منظور فرمائے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائے امتیاز عطا فرمائے اور اس کو ہدایت کا تعلیم کا تربیت کا بچوں اور بڑوں کے ایمان کو بنانے اور سنوارنے کا اس کو برکت بنائے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں بننے سنوارنے اور اللہ کے نزدیک مرتبہ اور رتبہ پانے کا ذریعہ اور بہانہ بنائے ہماری بھی یہاں پر حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے سارے اعمال کو اخلاص کے ساتھ انجام دے کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ